हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी के द्वारा। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर देख सकते हैं, 23,753 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, 23,753 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। यह काफी ज्यादा पोस्ट होता है, अपने आप में एक काफी अच्छा नंबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के द्वारा आपका यह भर्ती आपका जारी किया गया है। एलिजिबिलिटी भी इसमें आपका मात्र 12th पास आपका होना चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काम भी करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि मिस भर्ती आया और चला गया, लोगों के पता नहीं चल पाया। तो क्यों हो पाता है? क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर वीडियो थोड़ा सा लेट को आता है, तो उससे क्या होता है कि मिस आप थोड़ा सा देरी कर जाते हैं और डेट आपका निकल जाता है। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो समय पर आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, ये आपका अभी अपडेटेड आया है, अभी आपका जस्ट आया हुआ है, आज ही के तारीख यानी कि 14 नवंबर को आपका यह अपडेशन आया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट का आपका ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारीरिजल्ट.com। सरकारीरिजल्ट.com आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। यहाँ पर आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूपी आंगनवाड़ी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म अपडेटेड। ठीक है, इसमें कुछ अपडेशन किया गया है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आपके सामने एक नया इंटरफेस खोलकर आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 23,753। ठीक है, कितने पोस्ट हैं आपके? 23,753 पोस्ट टोटल आपका देखने को मिलेगा। पोस्ट डेट अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं 14 नवंबर 2024 7:45 यानी कि अभी आपका ये अपडेट किया गया है। फीस भी अगर बात की है तो देखिए जीरो फीस है, सबसे बड़ी बात ये है आपका जीरो फीस, कोई भी चार्जेज आपका इसमें नहीं लग रहे हैं, कोई भी चार्जेज आपको नहीं लगेंगे। आप किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं कोई भी चार्जेज आपके नहीं है। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो फिर जीरो फीस है, आपका कोई भी चार्जेज नहीं लगेगा। अप्लीकेशन कब से भराना स्टार्ट हो रहा है तो देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका हो रहा है, कैसे हो रहा है अभी हम लोग समझते हैं। ठीक है, लास्ट डेट भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपका वेरी कर रहा है, तो इसीलिए इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। देखिए, और एज के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 35 साल मिनिमम एज आपका मांगा गया है 18 ईयर, यानी कि आप 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपकी एलिजिबिलिटी की, मीन्स क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगा गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी कह रहा है आपका कि ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, यानी कि फीमेल कैंडिडेट ओनली आपके फॉर्म को इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मेल कोई नहीं अप्लाई कर सकता। दूसरा कह रहा है कि पास डे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका 12th पास आउट होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट का नेम यहाँ पर देख सकते हैं आंगनवाड़ी कर्मचारी का आपका है। ठीक है, आंगनवाड़ी का आपका यहाँ पर देख सकते हैं कार्यकर्त्री का आपका है ये लिखा हुआ। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द सेड विलेज। ठीक है, कि मीन्स जो कैंडिडेट है आपका वो उसी विलेज का होना चाहिए या फिर उसी वार्ड या फिर उसी न्याय पंचायत के होने चाहिए जो कि आप अप्लाई जहां से कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मीन्स कहां कहां का आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका पुराना भी यहाँ पर दिख रहा है जो कि 5/3/2024 ये सभी आपके समाप्त हो गए हैं, लेकिन इसमें अपडेटेशन कहाँ पर आया है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए लास्ट डेट यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपका बचा हुआ, देखिए लास्ट डेट यहाँ पर आपको गाजीपुर का देख सकते हैं कि गाजीपुर का आपका बात कर रहा है कि 9 दिसंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि गाजीपुर वाले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 290 पोस्ट गाजीपुर में आपका देखने को मिलेगा। इसके नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि फिरोजाबाद में आप देखेंगे कि 2 दिसंबर तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फिरोजाबाद वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 345 पोस्ट आपका फिरोजाबाद में है। उसके बाद आजमगढ़ में देख सकते हैं 350 पोस्ट है 23/11/2024, यानी कि 23 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर देख सकते हैं सिद्धार्थ नगर, तो सिद्धार्थ नगर वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 312 पोस्ट है और 16 तारीख तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 16 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये भी अभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जौनपुर, जौनपुर यहाँ पर देख सकते हैं 183 सीट है आपका, और 16/11/2024 यानी कि 16 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गोंडा, गोंडा वालों के पास एक दिन का समय है, आज वीडियो बना रहा हूं तो कल तक का समय देख सकते हैं। 243 पोस्ट है आपका, काफी ज्यादा पोस्ट है, और 15 नवंबर तक आपका इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कल तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बलरामपुर लास्ट डेट आज ही है आपका, तो देख सकते हैं कि मिस अगर आपका अप्लाई हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज नीचे जो जितने भी आपके पोस्ट हैं ये सभी आपके आउटडेटेड हो गए हैं, ये सभी आपके फॉर्म को क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये जो नीचे वाले हैं ये लोग पछता रहे होंगे, देखिए कि आपका बलरामपुर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, देवरिया, प्रयागराज ये सभी आपका समाप्त हो गया है, लेकिन इन लोगों को आप सोच रहे होंगे कि मिस हमको पता नहीं चला। तो पता इसलिए नहीं चला क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पर एक लेक्चर बनाया हुआ था, उसमें हमने बताया था कि किस डिस्ट्रिक्ट का कब जो है आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो अब कैसे अप्लाई करना है, जो लोग का बचा हुआ है जिसके बारे में हमने बता दिया कि अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करना है आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आपका दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन, ठीक है, तो यहीं पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन है तो फिर लॉगिन करके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी आपका फेक वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो आप अगर एलिजिबल हैं, आपका भी बचा हुआ इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।